हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका भाई अर्जुन राठौड़ और स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो यार अभी कुछ दिनों पहले अपन एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था 125 सीसी में सबसे अच्छी बाइक कौन सी है, आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो वही वीडियो का आज सेकेंड पार्ट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 100 सीसी में सबसे अच्छी बाइक कौन सी है, कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए। और इसमें से एक दो बाइक 110 सीसी की भी है तो उनको भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि यार 110 सीसी में ज़्यादा बाइक नहीं है तो अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 100 सीसी और 110 सीसी में सबसे अच्छी बाइक कौन सी है, कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए। आपके यूज के हिसाब से जो बाइक सबसे बेहतर रहेगी आपके लिए वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाइक रिलेटेड काफी सारे वीडियो चलते आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि यार जो बाइक 100 सीसी में काफ़ी सारी है तो सबको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो अच्छी अच्छी बाइक है, जो जिनकी सेलिंग अच्छी है और मेरे हिसाब से जो बेटर है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बाइक्स के बारे में जिनमें माइलेज अच्छा है और जो सस्ती आती है। तो अगर किसी भाई को मतलब एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका माइलेज ज़्यादा अच्छा हो, उसका मेंटेनेंस काफ़ी कम हो और काफ़ी सस्ते में वो बाइक आ जाए, तो ऐसी बाइकों के बारे में बात करेंगे। तो इस लिस्ट में मेरे पास तीन बाइक है। तो सबसे पहली जो बाइक है वो है CT 100। तो ये जो बाइक है यार, इसका जो मेंटेनेंस है काफ़ी कम है और इसका जो माइलेज यार सबको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा माइलेज है। और दूसरी जो बाइक है वो है प्लेटिना 100। और एच गियर दो अलग अलग बाइक आती है, तो यहाँ पे अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्लेटिना 100। तो ये भी काफ़ी अच्छी बाइक है, अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए और मेंटेनेंस कम चाहिए, सस्ते में बाइक चाहिए तो आप खरीद सकते हो। तीसरी जो बाइक है वो है TVS Sport। ये जो बाइक है ये 110 सीसी की है और इस बाइक का जो इंजन है वो उसकी ट्यूनिंग ऐसी की गई है कि माइलेज आपको अच्छा मिले। और ये बाइक भी काफ़ी सस्ती है, तो अगर आपको सस्ती बाइक चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए और बजट में चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं थोड़ी सी ऊपर अपर लेवल की, जिसमें आपको मतलब थोड़े से फीचर्स अच्छे मिल जाए और जिनका मेंटेनेंस कम हो और वो बजट में आ जाए। तो इसमें जो पहली बाइक है मेरे पास वो है रेडियन TVS की तरफ से। तो ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी है, 110 सीसी की है। इसकी जो लुकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपने देखा होगा कि ये मतलब काफ़ी सेल होती है बाइक, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन काफ़ी सेल होती है। इसका जो कंसोल मीटर है वो भी काफ़ी अच्छा है और दिखने में बाइक काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको थोड़ा सा माइलेज कम चलेगा, मतलब ये जो बाइक माइलेज देती है 70 तक का माइलेज आपको दे देगी, 70 तक का आपको माइलेज चल जाएगा और लुकिंग मतलब थोड़ी सी अच्छी चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हो। और दूसरी जो बाइक है 110 सीसी में, उसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं, वो बाइक है प्लेटिना H गियर। तो ये बाइक में आपको जो फीचर्स मिलते हैं काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मतलब इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, इसका जो कंसोल मीटर है इस सेगमेंट पे सबसे बेहतर है। तो इसमें एक थोड़ी सी कमी लगती है कि यार हैवी लुक बाइक नहीं लगती है, थोड़ी सी मतलब ऐसे छोटी बाइक दिखती है। तो अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हैवी लुक बाइक चाहिए तो फिर यार मेरे हिसाब से आपके लिए रेडियन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और रेडियन से भी अच्छी जो एक बाइक और है वो भी आपको बता देता हूँ, वो है पैशन प्रो हीरो की तरफ से। तो यार ये जो बाइक है ये यार इस सेगमेंट में सबसे अच्छी बाइक आप कह सकते हैं, इसकी जो लुकिंग है सबसे बेहतरीन है और दिखने में यार मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके आसपास भी मतलब इस सेगमेंट में कोई बाइक है। तो अगर आप यार यंग जनरेशन के हैं और आपको मतलब एक ऐसी बाइक चाहिए कॉलेज जाने के लिए या फिर थोड़ा सा टसन मारने के लिए कोई बाइक चाहिए, तो फिर यार आप पैशन प्रो ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बाइक है। इसका माइलेज भी अच्छा है और इसकी जो प्राइस है वो भी बजट में है और मेंटेनेंस वो भी काफ़ी कम है। और हीरो की बाइक है तो यार इंजन तो ठीक ठाक आता है, मतलब अच्छा आता है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो इन बाइक के अलावा दो बाइक और है मेरे पास, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो थोड़ी सी अलग है। तो वो जो दो बाइक है वो है एक तो डीलक्स और एक है स्प्लेंडर। तो पहले बात करते हैं डीलक्स की। तो जो डीलक्स बाइक है वो काफ़ी अच्छी है, इसमें स्प्लेंडर वाला ही इंजन आता है और उसका जो माइलेज है वो भी 70 से ऊपर है, 70 प्लस का माइलेज है। लुकिंग भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है लुकिंग, ले सकते हो आप। तो अगर आपको मतलब एक ऐसी बाइक चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक चले और लुकिंग आपके लिए मैटर नहीं करती, माइलेज मैटर करता है और मेंटेनेंस कम होना चाहिए और थोड़ी सी मतलब बजट इसका थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ी सी कॉस्टली है बाइक, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर बाइक चाहिए तो पैसा या थोड़ा बहुत तो आपको डालना पड़ेगा। तो अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है और आपको लॉन्ग टाइम के लिए कोई बाइक चाहिए तो फिर आप परचेज कर सकते हैं HF Deluxe। और अब बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट बाइक की, जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और मेरी तरफ से जो सबसे अच्छी बाइक है इस सेगमेंट में, वो है स्प्लेंडर प्लस। और क्यों है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है यार, मतलब इंडिया की टॉप सेलिंग बाइक है ये, काफ़ी ज़्यादा सेल होती है और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ ये सेल क्यों होती है। तो सबसे पहली अच्छी चीज़ है इसकी भाई, वो इसका माइलेज। इस बाइक में आपको 70 प्लस का माइलेज मिल जाता है, वो भी काफ़ी आसानी से।
तो यार ये काफ़ी अच्छा माइलेज माना जाता है 100cc के हिसाब से। हालांकि इससे भी ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है, लेकिन फिर भी इसकी सेल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है इसका लुकिंग। ये बाइक काफ़ी सिंपल लुक है, आप चाहे जवान हो या फिर आपकी ओल्ड एज हो, 35 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, ये बाइक सब पे सूट करती है। इसकी लुकिंग यार काफ़ी अच्छी है और दिखने में भी ये बाइक यार काफ़ी अच्छी लगती है, अगर घर में खड़ी है तो भी अच्छी लगती है। और इसमें जो आपको फंक्शन मिलते हैं वो काफ़ी सिंपल मिलते हैं, इसमें कंसोल मीटर भी आपको एनालॉग मिलता है ना, LED लाइट मिलती है। अगर अपन कंपेरिजन करें इसका प्लेटिना की एस गियर से तो उससे तो काफ़ी कम मतलब इसमें फंक्शन मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, फिर भी मतलब ज़्यादा सेल होती है। तो भाई काफ़ी अच्छी बाइक है ये, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी कम है, बहुत कम मेंटेनेंस है इसका। हीरो की बेस्ट बाइक आप इसको कह सकते हैं मेरे हिसाब से, तो यार हीरो की जो सबसे अच्छी बाइक है वो यही है। तो यार मेरे हिसाब से अगर आपको कोई बाइक परचेज करनी चाहिए तो वो करनी चाहिए स्प्लेंडर प्लस। और बाकी यार अपने हिसाब से आपको बता दिया मैंने, आपको आपके यूज़ के हिसाब से आप देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्लेंडर प्लस ही लीजिए। अगर आपका यूज़ ज़्यादा है, मान लो कि आपको ज़्यादा किलोमीटर बाइक चलानी है, रनिंग ज़्यादा आपकी और बजट नहीं है आपके पास, थोड़ा सा बजट कम है, लो बजट बाइक चाहिए, तो फिर यार CT 100 भी ले सकते हो, प्लेटिना भी ले सकते हो, TFSI स्पोर्ट भी ले सकते हो। तो भाई अपने यूज के हिसाब से लेना, जो भी आपके बजट में फिट बैठे, जो भी आपको पसंद आए वो बाइक आप परचेज कर सकते हो। तो भाई यही था आज का वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार अपने भाई के वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्लो।